जॉन और एमएलसी ब्रजेश सिंह की जिंदगी हिंदी फिल्म के किसी किरदार जैसी है। बनारस के यूपी कॉलेज से बीएससी का होनहार छात्र अब अपराध की दुनिया का बाहुबली कहा जाता है। डॉन ब्रजेश सिंह के नाम से पुकारा जाना ज्यादा पसंद करता है। बनारस के धरारा गांव में पैदा हुआ ब्रजेश 1984 में आपसी रंजिश के चलते ब्रजेश के पिता की हत्या कर दी गई थी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। ब्रजेश सिंह ने दिन दहाड़े हरिहर सिंह की हत्या की और उसके बाद 9 अप्रैल 1986 को बनारस के सिकरौरा गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। फिर यहीं से शुरू हुई ब्रजेश सिंह की डॉन ब्रजेश बनने की कहानी। इन घटनाओं को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश सिंह जेल गया और जेल में ही उसकी मुलाकात गाजीपुर के त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती कुछ इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ने मिलकर कुछ ही सालों में पूर्वांचल में अपने गैंग का दबदबा बढ़ा लिया। रंगदारी, पीडब्ल्यूडी और रेलवे के ठेकों में डॉन ब्रजेश के बढ़ते दबदबे से पूर्वांचल का ही एक बाहुबली मुख्तार अंसारी परेशान हो उठा। यहीं से शुरू हुई पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंग वॉर। इन दोनों बाहुबलियों के गैंग वॉर में अब तक सैकड़ों मर्डर हो चुके हैं। 12 सितंबर 1992 में दाऊद इब्राहिम के विरोधी अरुण गवली के गैंग के शैलेश हल्दनकर और 3 पुलिस वालों के मर्डर में भी ब्रजेश सिंह का ही नाम आया। ब्रजेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल तक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। डॉन ब्रजेश सिंह को 2008 में नाटकीय रूप से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से ही ब्रजेश सिंह जेल में बंद है। डॉन ब्रजेश का खौफ इतना है कि जेल में बंद होने के बावजूद वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बन गया। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद एक बार फिर से ब्रजेश और मुख्तार के गुर्गों के बीच गैंगवॉर होने के कयास लगाए जाने लगे हैं।